जयपुर में चौथी नेशनल कंगारू मदर केयर कॉन्फ्रेंस एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में देशभर से आए 300 से अधिक शिशु रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिन्होंने कंगारू मदर केयर के बारे में प्रशिक्षण और जानकारी दी। दरअसल कंगारू मदर केयर कम वजन और प्रीमेच्योर नवजात बच्चों को बचाने के लिए बेहतर कारगर साबित हो रही है। कॉन्फ्रेंस के दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि इस तकनीक में कोई बजट की आवश्यकता नहीं होती है। वह राजस्थान सरकार नवजात शिशु सुरक्षा योजना शुरू करेगी। देखिए, बहुत शानदार कॉन्फ्रेंस हो रही है। लगभग 400 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 300 डॉक्टर्स हैं, 100 नर्सिंग कर्मचारी हैं। इसमें पूरे कंट्री से यहाँ आए हैं। 3 दिन ये कंगारू मदर केयर पे चर्चा करेंगे। और ये ऐसी पद्धति है जिसमें ना बजट की जरूरत है, ना कोई इक्विपमेंट की जरूरत है, और सेफ। जो भी कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं उनको बचाने के लिए इससे सर्वश्रेष्ठ तकनीक कोई दूसरी है नहीं। हाँ, तो कंगारू मदर केयर, आपने बड़ा महत्व का प्रश्न पूछा मुझे कि वो सबसे बड़ा इंटरवेंशन है जो नवजात शिशु की जिंदगी के लिए महत्व का है। अभी आप जानते हो कि अपने हिंदुस्तान में नवजात शिशु का मृत्यु दर पहले 56 के ऊपर था 2012 में। अभी हम लोग 30 तक आ चुके हैं, उससे नीचे जाना है, और उसके लिए हमको क्वालिटी केयर देनी है नवजात शिशु को। और वो क्वालिटी केयर देने में सबसे बड़ा महत्व का हिस्सा कंगारू केयर मदर केयर करती है।